लगातार दो दिनों में कुत्तों की मौत के बाद प्रयागराज नगर निगम प्रशासन जागी और आज नगर निगम की कांजी हाउस की टीम एवं पशुधन अधिकारी अतीक अहमद के आवास पहुंची, जहां उन्होंने कुत्तों की कस्टडी में लेने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा। इस दौरान नगर निगम की टीम पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की सहायता से कुत्तों को खाने के लिए दूध एवं ब्रेड तथा पानी की व्यवस्था की। नगर निगम के पशुधन अधिकारी का कहना है, चाहे कोई भी जानवर हो और किसी का भी क्यों ना हो, अगर उन्हें भरण पोषण की ज़रूरत है तो पशुधन की टीम सदैव तत्पर है एवं वहां उन जानवरों को काजी हाउस ले जाकर देखभाल करेगी। जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात की सूचना मिली, वह सभी कुत्तों को ले के जाने के लिए आई। वो स्थल पर पहुंचकर कुत्तों को देखने पहुंच गए। आनन फानन में पुलिस की टीम भीड़ को कंट्रोल करने में तथा पूरी कार्रवाई को पूरा करने के लिए लगी हुई है। गौरतलब हो कि सांसद अतीक अहमद के ऊपर हुई कार्रवाई के बाद से स्थानीय लोग इन कुत्तों से दूर हो गए थे तथा इनकी खाने पीने की व्यवस्था भगवान भरोसे हो गई थी, लेकिन आज काजी हाउस की जारी इस कार्रवाई के चलते इन कुत्तों को एक नया जीवन मिल सकता है, ऐसी उम्मीद लोगों के बीच में है। हमें इन्फॉर्मेशन ये थी कि यहाँ 5 कुत्ते थे, एक की कल डेथ हो गई, एक की आज सुबह हो गई, और अभी तो देखिए हम लोग आए हैं, नगर निगम की टीम आई है, डॉक्टर्स की टीम आ रही है, तो जहाँ तक खाना इन लोग को प्रॉपर तो मिल नहीं पा रहा इनकी डाइट के हिसाब से, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके अलावा इनको कुछ प्रॉबेबली कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से वो डॉग्स ख़त्म हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, मगर थोड़ा बहुत खाना इनको ज़रूर दिया जा रहा था। तो अभी डॉक्टर्स आएंगे, उसके बाद एक बार चेकअप होगा, देखते हैं इनको क्या है क्या नहीं है, इलाज की ज़रूरत है क्या है, उसके हिसाब से इनके खाने और इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। ग्रेट डेन है। मैं वंशिका गुप्ता रक्षा एनजीओ से। सर, आज कुत्तों को खाने के लिए आए हैं, जनमत के कुत्तों को क्या है, पूरा क्या नाजा क्या है, कैसे कार्रवाई होगी और क्या करना है? अभी लोकल प्रशासन की तरफ से सूचना मिली है हमको, और डिफरेंट बहुत सारे जो एनजीओ हैं शहर के, सबके माध्यम से सूचनाएं मिली हैं कि यहाँ पर जो है अभी कुछ कुत्ते हैं, तो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जो भी एक्सपर्ट हैं, अलग अलग शहरों में बात हो रही है, तत्काल कोई एक्सपर्ट टीम बुलाई जा रही है। जिलाधिकारी महोदय से भी बात करने के लिए अभी बोला गया है कि थोड़ा सा अपने निर्देशन में, क्योंकि अगर किसी की डेथ हुई है तो प्रॉपर नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में प्रॉपर पोस्टमार्टम करा के कॉज ऑफ डेथ पता करें, और इनको प्रायोरिटी है कि सबसे पहले इनको फीडिंग और इनको यहाँ से कहीं प्रॉपर शिफ्ट करने की बात आएगी, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में अकेले रह पाना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो एक्सपर्ट से बात चल रही है, बहुत जल्द इसका सलूशन आज ही निकलेगा। सर, 5 से 3 बचे हुए, 2 की डेथ हुई, अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो संबंधित तो नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी इसके बारे में सूचना दे देंगे। अपना परिचय दे। मैं डॉक्टर विजय अमृतराज, पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी नगर निगम से।